नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, हल्के के प्रभारी पूर्व विधायक पद्म सिंह दहिया ने कई गांवों का दौरा कर जींद में होने वाले दुष्यंत चौटाला की 9 दिसंबर की रैली का न्योता दिया और उनके साथ महम से पूर्व प्रत्याशी महेंद्र सतीश दास, पूर्व हल्का अध्यक्ष संजय बलहारा, पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र संगवान व महम हल्के से लगभग 80% नेतागण भी दुष्यंत की रैली का न्योता देने पहुंचे। वहीं गांव खरखड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र संगवान ने कहा, जिस तरह एक षड्यंत्र के तहत लोकप्रिय सांसद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और 40 साल से अपने खून पसीने की पार्टी के मजबूत करने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का पार्टी से निष्कासित किया गया, उस षड्यंत्र को देखते हुए जनता उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए बेताब है। और जिस तरह सांसद दुष्यंत ने गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार की आवाज समय समय पर उठाई है, उनके प्रति लोग दुष्यंत जी के साथ ही और लगभग पार्टी के 80% नेता पदाधिकारी दुष्यंत चौटाला के साथ ही, आज 90% भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ हैं। और जब से मेरे को यहाँ जिम्मेवारी दी है तो सभी साथी बहुत मेहनत के साथ दिन रात गाँव गाँव में घूम कर मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की बदौलत ही जो गांव के लोगों का प्यार उत्साह देख कर जो मुझे महसूस हुआ, तो यहां से मैं हल्के से काफ़ी संख्या में लोग जींद के उस पांडु पिंडारा ग्राउंड में पहुंचने का काम करेंगे। 9 दिसंबर की रैली में जो 10% लोग बचे हैं वो भी जींद रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं पूर्व विधायक पद्म सिंह दहिया ने बताया कि आज हमने महम हल्के दर्जनों गाँव का दौरा किया है और जिसे जनता लोकप्रिय सांसद दुष्यंत चौटाला की जींद रैली के लिए भारी उत्साह देखने को मिला है और 9 दिसंबर की रैली इतनी ऐतिहासिक होगी, आज तक किसी रैली नहीं हुई होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला जी के साथ है। पूर्व विधायक पद्म सिंह दहिया ने बताया कि 9 दिसंबर की रैली में नई पार्टी, नया झंडा हुआ, नया निशान होगा और जो मौजूद विधायक है वो 9 दिसंबर की रैली में भाग लेंगे और रैली इतनी जबरदस्त होगी कि विरोधी पार्टियों की नींद उड़ जाएगी और हमारी नई पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। जो जींद के अंदर समस्त हरियाणा सम्मेलन आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आह्वान पर और युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी के आह्वान पर बुलाया गया है, उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए पूरे रोहतक जिले के गांव-गांव में ये पूरी टीम जाने का काम कर रही है। आज उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए खरगड़ा गाँव में पहुँचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है खरगड़ा गांव से हजारों की संख्या में जींद पहुंचकर आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के और युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत जी के नाम से लहर चली हुई है। आज हरियाणा प्रदेश के चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं की बात हो, जिस तरह से पिछले 4.5 साल के समय के दौरान आदरणीय युवा सांसद जी ने जिस तरह से संसद में युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो या गरीब मजदूर की जिस तरह से उन्होंने बात उठाने का काम किया है, आज हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा और बेरोजगार खास तौर से बेरोजगार युवा उनकी तरफ देख रहा है और युवा साथी चाहते हैं कि आने वाले समय में युवा सांसद की सरकार बने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो भी 9 तारीख को आदेश करेंगे पूरा हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा और हमारे बुजुर्ग उनको फूल चढ़ाने का।